रही है दमा दम सदाए कुन फयकून। तो पहले तो मैं महमूद अल हसन साहब जो कि हमारे इस्लामिक एड के चेयरमैन हैं उनको और सरवर फाउंडेशन की वाइस चेयर परवीन सरवर को और अफाक के हमारे वॉलंटियर्स को इस्लामिक एड के वॉलंटियर्स को मैं शुक्रिया भी इनका अदा करता हूं और इनको मुबारकबाद भी देता हूं कि ये इस इंतहाई मुश्किल वक़्त में जबकि पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान और हमारे अवाम एक बहुत ही मुश्किल वक़्त से गुज़र रहे हैं, ये वो वॉलंटियर्स हैं जो दिन रात राशन पैक करते हैं, लोगों के घरों तक राशन पहुंचाते हैं और एक खिदमत का काम जो है इन्होंने अपनाया हुआ है। और इन वॉलंटियर्स पे मैं जितना भी फ़ख्र कर सकूं वो कम है। और मैं उन तमाम वॉलंटियर्स को, तमाम डोनर्स को, तमाम मुखय्यर हजरात को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो पूरे मुल्क में और सूबा पंजाब में गरीब लोगों तक, मुस्तहक लोगों तक राशन पहुंचाने के लिए दिन रात कोशिशें जो हैं कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कि कोरोना वायरस की वजह से हमारा तकरीबन 1,20,00,000 लोग जो डेली वेजेस थे उनका वो बेरोज़गार हो गए हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किलात हैं। हमारे छोटे दुकानदार हैं, हमारे रेडी लगाने वाले लोग हैं, तो सब जो हैं लॉकडाउन की वजह से एक बहुत ही मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह पूरी कौम कोरोना के ख़िलाफ़ इस जंग में मुत्तफिक है, मुत्तहिद है और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह अवाम के तआमन से, अपने तमाम सियासी रहनुमाओं के तआमन से, अपने मजहबी हमारे जो लीडर्स हैं उनके तआमन से इंशाल्लाह हम कोरोना को पाकिस्तान में इंशाल्लाह इस पे काबू पा लेंगे। तो मैं आज पहले भी मैंने जैसे इस्लामिक एड का जिक्र किया है, ये 2000 में सरवर फाउंडेशन और इस्लामिक एड की बुनियाद हमने इकट्ठे रखी थी और पिछले 20 साल से इस्लामिक एड और सरवर फाउंडेशन जो है एक कोलैबोरेशन के साथ इकट्ठे काम जो है वो कर रहे हैं।